चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 तक का डिस्कशन राहुल सर ने लिया था कल। क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक सारे के सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हैं। तो आते क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। सवाल पढ़ेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंट, ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अब इन दोनों का रिलेशन निकालना है, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। रिलेशन निकालने के लिए देखो, तो रहा इसको कंपेयर करना डिफिकल्ट जा रहा है, मैं क्या करता हूँ इस वाले को 180 डिग्री पे रोटेट कर लेता हूँ, रोटेट बाय 180 डिग्री। आपने पढ़ रखा है फीसर फॉर्मूला को, जब हम 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो सेम मॉलिक्यूल रिपीट होता है। तो इसको अगर मैं 180 डिग्री पे रोटेट किया तो दिस कार्बोजेलिक एसिड विल गो अप, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, दिस साइड एच, और यहाँ पे OH एंड यहाँ पे OH। अब इन दोनों के बीच कंपेयर करके देख लें, मॉलिकुलर फॉर्मूला चेक करें तो सभी के पास एक कार्बोजेलिक कार्बोजेलिक, दो कार्बोजेलिक ग्रुप, दो कार्बोजेलिक ग्रुप, दो OH, दो OH, वन CH3, वन CH3 एंड वन H। मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, कनेक्टिविटी के लिए हम पहले नंबरिंग कर ले, तो यहाँ 1, 2, 3 एंड 4, इधर भी नंबरिंग करके देखें, 1, 2, 3 एंड 4। अब कनेक्टिविटी चेक करने, 1 एंड 4 तो दोनों जगह क्या है, सेम है। 2 पे चेक कीजिए, एक कार्बोजैलिक ग्रुप, एक कार्बोजैलिक ग्रुप, एक OH, एक OH और एक CH3, एक CH3। क्लियर है यहां पे। दूसरे वाले पे चले, थर्ड वाले पे चेक कीजिए, एक H, एक H, एक OH, एक OH, एक कार्बोजैलिक, एक कार्बोजैलिक और एक ये बल्कि सा ग्रुप, और एक यहां पे भी सेम बल्कि सा ग्रुप। दोनों पे कनेक्टिविटी भी क्या है, सेम है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाए, कनेक्टिविटी सेम हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। एंड दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन मिरर इमेज ऑफ इच अदर, विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ इच अदर आर कॉल्ड डायस्ट्रीमर। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों OH क्या है, सेम साइड, यहाँ पे दोनों OH क्या है, अपोजिट साइड। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर। करेक्ट आंसर इज डायस्टीरियोमर, दैट इज ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 बेंजीन, ओके, तो दैट इज CH3O, इससे अटैच एक बेंजीन एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। चलिए इसका रिएक्शन निकालने हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रखा है, HBr के साथ इसका रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन विथ HBr, HBr के साथ रिएक्शन पढ़ा होगा, HBr, HX के साथ डबल बॉन्ड का, अल्कीन का रिएक्शन, HX के साथ जब भी डबल बॉन्ड का रिएक्शन कराते हैं क्या बोलते हैं, दैट इज मार्कनिफ्स लॉ, मार्कनिफ्स एंड एंटी मार्कनिफ्स। एंटी मार्कनिफ्स में HBr के साथ क्या चाहिए था, पेरोक्साइड चाहिए था, बट यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं दे रखा है, तो कौन सा, ये मार्कनिफ्स रूल लगाने हैं। मार्कनिफ्स रूल में क्या लगाते हैं, आपने पढ़ रखा है मार्कनिफ्स में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जहां पे ज्यादा होती है वहां पे Br क्या होता है, नेगेटिव पार्ट वहीं पे अटैच होता है। आप मैकेनिज्म से भी देख सकते हैं सवाल को, CH3OC, अब HBr डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, H प्लस प्लस Br माइनस। अब यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डबल बॉन्ड पे कराने हैं CHN CH3। अब डबल बॉन्ड पे H प्लस का अटैक होगा डबल बॉन्ड पे, तो किसी एक साइड लग सकता है, इधर भी लग सकता है H और इधर भी लग सकता है। अगर H इधर लगता है तो कार्बोकैटायन कहाँ बन रहा है, इधर लग बनेगा। अगर H इधर लगाया तो कार्बोकैटायन किधर बनेगा, इस साइड पे बनेगा। तो देखें कार्बोकैटायन अगर यहां बन रहा है, कार्बोकैटायन अगर यहां बन रहा है तो ये कार्बोकैटायन क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस वाले से ज्यादा हो जाएगी। दूसरा कार्बोकैटायन मैं बना दूं कि ये भी बन सकता है, दूसरा आप ये भी बना सकते हैं कि ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हैं, CH यहाँ पे हमने H लगा दिया, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे प्लस।
अब इन दोनों में कंपेयर करें तो ये कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा इंटरमीडिएट में कौन बनेगा, वही बनेगा। तो रिएक्शन में अब बीआर का अटैक कराएंगे तो ये कार्बोकेटाइन हमारा नहीं बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो अब इसके ऊपर बीआर का अटैक कराएं, अगर हमने बीआर का अटैक कराया तो क्या होगा, बीआर माइनस यहां पे अटैक करेगा। तो आंसर चेक करेंगे तो आंसर में हमारे पास यहां पे H था और यहां पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। That is Br minus. क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सवाल ये पूछ रखा है, सवाल पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर। नॉन रिड्यूसिंग सुगर का मतलब है दो सुगर विच डू नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। तो कौन कौन से हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है? तो आपने पढ़ रखा है जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग सुगर। तो ऑप्शन सी जो है हमारा, दैट इज मोनोसेक्राइड्स, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड ओ भी है, ओके वन सेकेंड, हाँ करेक्ट है। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है, दैट इज ऑप्शन सी हमारा क्या है, मोनोसेक्राइड है। ये मोनोसेक्राइड, ऑल द मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग सेक्राइड, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। अब बाकी बचे डाइसेक्राइड्स, बाकी तीन डाइसेक्राइड्स दे रखे हैं। डाइसेक्राइड्स में चेक करने के लिए आपको बताया गया है कि अगर हेमी एसिटल ग्रुप अवेलेबल है, कार्बन विच इज हेमी एसिटल अगर अवेलेबल है, अगर वो फ्री है तो वहां पे वो क्या होता है, रिड्यूसिंग सुगर होता है। तब इस वाले में चेको, हेमिसिटल का मतलब क्या है, ये वाला ग्रुप एक एस्टर का बॉन्ड, सॉरी एक अल्काइल के साथ एक अल्कोहल के साथ, अगर ये बॉन्ड अवेलेबल है, अगर ये मॉलिक्यूल से एक कार्बन एटम फ्री है तो ये रिड्यूसिंग सुगर होगा, अगर ये फ्री नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग सुगर। जैसे इस वाले में देखिए, यहां भी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, बट दैट इज एसिटल, दैट इज हेमी एसिटल, अगर हेमी एसिटल ग्रुप अवेलेबल है, अगर हेमीएसिटल ग्रुप अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग सुगर। तो इस वाले में देखो अवेलेबल है, इस वाले में भी चेक कीजिए आप अवेलेबल है, मगर इस वाले में चेक कीजिए यहां पे नहीं अवेलेबल, यहां पे चेक करो तो दोनों ही एसिटल है, यहां पे चेक करो दोनों ही क्या है, एसिटल है। तो यहां पे एक भी हेमीएसिटल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, क्लियर है ये एंड क्या फ्री नहीं है, इसलिए ये वाले को क्या बोल रखा है, अगर ये एंड फ्री होता है, यहां पे अगर हेमिसिटल अवेलेबल होता है तो क्या होता, रिड्यूसिंग सुगर, अगर नहीं है तो क्या होगा, ये नॉन रिड्यूसिंग सुगर। क्लियर है, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर, ये दिस इज रिड्यूसिंग, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग, दैट इज करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दे रखा है, इन द सेट ऑफ द रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड डी निकालने, ठीक है आसान सा सवाल दे रखा है। यहाँ पे OH है, डबल बॉन्ड है, रिएक्शन कराया है SOCl2, पढ़ रखा है SOCl2 PCl3 एंड PCl5 क्या करता है, OH ग्रुप को हटा करके वहां पे Cl को अटैच कर देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले Cl आ जाएगा। अब इसका रिएक्शन करा दिया है NH3 क्या करेगा, Cl को हटा के NH3 अटैच हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास NH3 आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया। नेक्स्ट क्या रिएक्शन कराया है, Br2NKOH, ये रिएक्शन आपने NH2, ये रिएक्शन आपने अमाइंस में पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, बीच से बस ये कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग रिमूव कर देते हैं, रेस्ट को आपस में क्या कर देने हैं, अटैच कर देने हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा, इसको हटाया और इन दोनों को आपस में अटैच कर देते, फर्स्ट एंड सेकेंड दो कार्बन है इससे अटैच NH2, तो क्या आ गया, इस अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो यार बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रखा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फॉलोइंग, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल ढूंढने, सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ढूंढने हैं। तो ढूंढ लीजिए, इस वाले में चेक, प्लस चार्ज के बगल में क्या है, वन हाइपर कॉन्जुगेशन, एच कितने हैं, वन है। इस वाले के पास चला तो कार्बन कटायन के पास सेवन हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, सेवन है। यहाँ पे चेक करके देखे, हाइपर कॉन्जुगेशन दो है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे दो है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज अवेलेबल, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई किया तो मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, रेजोनेंस में है। किसके साथ रेजोनेंस में है, एक हेट्रो एटम के साथ रेजोनेंस में है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड वी नो दैट मेसोमेरिक इज डोमिनेट ओवर रेजोनेंस, डोमिनेट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, डोमिनेट ओवर इंडक्टिव। तो इस वाले में चेक करें तो यहाँ पे क्या है, मेसोमेरिक है, इन किसी, इस वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन निकाले तो फोर, तो किसी में भी मेसोमेरिक नहीं है, या मेसोमेरिक देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मेसोमेरिक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बाकी सभी से ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13, द की स्टेप इन द केनेजरो रिएक्शन इन द इंटरमोलिकुलर शिफ्ट, इंटरमोलिकुलर शिफ्ट में की स्टेप्स पूछ रखा है, तो द की स्टेप इन रिएक्शन इन द की स्टेप में कौन मूव करता है, चेक कर लीजिए। इस वाले में केनेजरो रिएक्शन का मैकेनिज्म याद होगा आपको, क्या करेंगे, OH का सबसे पहले इस पे अटैक करा दे, एच सी डबल ओ माइनस, यहाँ पे आ गया H, दिस इज O एंड H। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एच सी ओ माइनस H एंड OH, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करता है और इस H को रिमूव करता है। H को जो हमने रिमूव किया तो ये H क्या होगा, यहाँ से सप्लाई होके सीधा इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, एच सी डबल बॉन्ड O, O एंड H साथ में क्या बन रहा है, एच सी एंड O माइनस, इधर भी H और इधर भी H, माइनस है, फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो जाएगा, क्योंकि O अल्कोहल का जो O माइनस है दैट इज मोर बेसिक कार्बोजैलिक, दैट इज मोर एसिड देन कार्बोजैलिक, तो ये क्या करेगा, इसके H लेकर के हाइड्राइड, सॉरी H प्लस शिफ्ट हो जाएगा, O माइनस साथ में H थ्री सी ओ एन H का फॉर्मेशन, एक अल्कोहल और एक एसिड का डेरिवेटिव बन जाते हैं, सॉरी एसिड बन जाएंगे। तो इस वाले में स्टेप पे पढ़िए क्या क्या दे रखा है, की स्टेप में प्रोटोन, प्रोटोन का ट्रांसफर की स्टेप नहीं है, की स्टेप कौन सा है, दिस स्टेप इज द की स्टेप जहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो इस वाले में देखेंगे हाइड्राइड आयन कौन शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड आयन, तो यहाँ पे शिफ्ट किसका हो रहा है, एच माइनस मूव कर रहा है, ये एच माइनस मूव कर रहा है, दैट इज हाइड्राइड आयन, करेक्ट आंसर विल बी बी विल बी द करेक्ट आंसर, हाइड्राइड आयन का शिफ्ट हो रहा है। प्रोटोन लास्ट स्टेप में प्रोटोन का एक्सचेंज हो रहा है, प्रोटोन प्रोटोन इज नॉट द की स्टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रखा है, विच अल्काइल ब्रोमाइड विल यील्ड ओनली वन अल्कीन अपॉन ई टू इलिमिनेशन, ई टू इलिमिनेशन कराने हैं, ई टू इलिमिनेशन में पढ़ रखा है एच एन बी आर दोनों एक ग्रुप क्या होगा, एक साथ रिमूव करेगा और एंटी इलिमिनेशन होगा, यहाँ पे सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, एंटी इलिमिनेशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो खुद ब खुद रोटेट करके एंटी साइड आ सकता है, हमें क्या करने हैं, बस एच पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड बनाने के लिए देखने हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इस वाले में देखो, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन सकता है और इन दोनों के बीच में भी बन सकता है, तो अगर मैं यहाँ ले चलूँ तो एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट भी हमारा बन सकता है, दूसरे प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, दोनों ही बन जाएंगे। इस वाले में चले तो सेकेंड बी वाले में, ऑप्शन बी एक दो तीन चार कार्बन, एक दो तीन चार करेक्ट है। चलो इस वाले में देखें तो आपके पास बीटा एच, बस ये वाला बीटा एच है, इस साइड कुछ अवेलेबल नहीं है, आप हटाएंगे तो इन दोनों को रिमूव करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल है, जैसे तो वनली प्रोडक्ट। इस वाले में चलोगे इन दोनों के बीच में बन सकता है, इन दोनों के बीच में भी बन सकता है, तो प्रोडक्ट में चलेंगे आपको क्या क्या बनेगा, यहाँ पे एक बार इसके साथ बन सकता है, साथ ही साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारा
डबल बॉन्ड यहां बन सकता है, इस वाले में चेक करो लास्ट वाले में, यहां भी दो ऑप्शन है, इसके साथ भी बन सकता है और इसके साथ भी बन सकता है। तो प्रोडक्ट देखे हमारे पास क्या है यहाँ पे, इन दोनों में सेम प्रोडक्ट आ जाएंगे, किसी भी एक पे बना दो और दूसरा यहाँ पे बगल वाले पे शिफ्ट करा दीजिए डबल बॉन्ड को, ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इस वाले में दो प्रोडक्ट, इस वाले में दो प्रोडक्ट, इस वाले में दो प्रोडक्ट, बट बी वाले में क्या है सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। रेस्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस बाय राहुल सर बिकॉज दीज आर फ्रॉम। एक सवाल बाकी रह गया, इंटीजर टाइप में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें पूछ रखा है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल, कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है ये ढूंढने हैं। तो आपने पढ़ रखा है स्टीरियो आइसोमर के लिए क्या ढूंढने हैं, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर में कौन कौन से आ जाएंगे, कैरल सेंटर एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर, दोनों ही ढूंढने हैं। ऑप्टिकल सेंटर भी, सो नॉट कैरल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर भी ढूंढने हैं और ज्योमेट्रिकल सेंटर भी ढूंढने हैं। तब यहाँ पे ढूंढिए ऑप्टिकल सेंटर कौन कौन से हैं। ऑप्टिकल सेंटर में देखिए दिस इज द कैरल सेंटर, ये वैलेंसी डिफरेंट है, ये वाली वैलेंसी डिफरेंट है, सीएल डिफरेंट है, एच सॉरी सीएल एंड एच चारों वैलेंसी क्या है डिफरेंट है, तो ये सेंटर कैरल हो जाएगा। इस वाले पे चलो तो यहां से भी कट करें, यहां से ये भी वैलेंसी डिफरेंट, ये वैलेंसी डिफरेंट, यहां पे एक वैलेंसी डिफरेंट है, नीचे एच लगा हुआ है, तो ये इसकी भी चारों वैलेंसी क्या है डिफरेंट है, दिस इज ऑल्सो कैरल। यहां पे चले बी आर मिथाइल एक एच और एक बल्कि सर ग्रुप, तो ये भी क्या हो गया हमारा कैरल, तो तीन कैरल सेंटर हो गए। इस वाले को देखिए ये हमारा क्या है डबल बॉन्ड है, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है, रोटेशन क्या है रिस्ट्रिक्टेड है, फर्स्ट कंडीशन क्या आता है उसमें रोटेशन, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट चेक करें तो एक इधर हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, दोनों ही वैलेंसी क्या है डिफरेंट है, मॉलिकल्स भी क्या आ जाएंगे इनकी, ये और ये एटम भी क्या होंगे इसके साथ कोप्लेनर होंगे, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर के जो कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये तीन हो गए कैरल सेंटर, ये क्या हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, टोटल स्टीरियो सेंटर हमारे हो गए 3 + 1 = 4, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या सिमेट्रिकल है, क्या मॉलिक्यूल्स में कोई भी सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 के पावर n 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, दैट इज 16, करेक्ट आंसर विल बी 16।